ओह केला खतरे में, क्यों? आपका सबसे पसंदीदा खाना कौन सा है? गोश्त के अलावा हम किसी और को ज्यादा पसंद नहीं करते हैं। मुझे बिरयानी बहुत अच्छी लगती है। हेरा गमला वो बल्ला थाफूला मसूरी वो हेरा बाल पिंगड़ा मसूरी ना हम दास का निकल याद तो मरे तो दास का खुने था अदा हम वधिक पसंद दाल गंदी है। ऐसा जानवर या कोई ऐसा खाना जो पहले हुआ करता था लेकिन अब नहीं है? मैं समझता हूँ हमारा जो मक्खन है वो भी नहीं मिलता और लस्सी भी जो ओरिजिनल लस्सी है वो भी नहीं मिलता आजकल। सब्जी दाखदर खसखनता होगा दाल लाल का कस अमुआ सुरफतुंगा दमुफ्तन करी के बीजी रिस्कुंगा का एलो में तड़े का सुअसक। आपको पता है इंडेंजर्ड क्या होता है? जे ये चलता छिपारा इंडेंजर मतलब वो चीज़ जो कि खतरे में है या खत्म होने वाली हो। आज हम आपको वो खाने खिलाएंगे जो कि खतरे में है। अब तैयार रहना, ये आइंदा से इस प्रोग्राम के बाद सामान खत्म। आपके सामने कॉफी और चॉकलेट रखी है। 2030 में चॉकलेट के बीज बनना कम हो जाएंगे मौसम की तपिश की वजह से। चॉकलेट के बीज को अगर सही मौसम ना मिले तो इसके पौधे खराब हो जाते हैं। चॉकलेट के नले अफसोस न बगे नले अफसोस हिरख के बारे हिरख खत्म बस गुड़ा लड़े फिर शादी बारे ना चॉकलेट हल्का शार ट्यूशन वो बंदा खुने था। अभी बचे सारा दिन मम्मी 5 रुपए दे मम्मी 5 रुपए ये खत्म ही हो जाएगा जान सुना होंगे ना खाएंगे सुना थे कि वाला फिर टिकट भी जोड़ के रहा जाओ चुनाई मुंजा खपत चुना दो लाद मुखो रखूंगे ले छक्का नहीं था मैं नसीब होंदी तो नसीब थी ना होंदी तो कितना नसीब पर कि बहुत अच्छी चीज खाइंदा। अच्छी कॉफी के लिए शहद की मक्खी का इसके पौधे पर बैठना जरूरी है। ये आपके लिए खतरा है, आप शहद पीते हो हम नहीं पीते हैं। इसी जगह चाय होती तो मुझे क्या लगता तो ये वही है ना, ये खत्म होगी तो साथ में चाय भी खत्म हो जाएगी। इसीलिए मेरा चेहरा नहीं नजर आ रहा तेरे को दुखी दुखी चे सर में दर्द आ नींद आचे थी काफी मिले कौन थे छा कर केड़ी चीज खाया। कौम मिलकर पूरी दुनिया की इंसानियत के नाते सोचना होगा कि दरखत को जो ज़रूरत है वो खुदा उसकी पूरी करे। जी नादरीन ये चॉकलेट खाऊं जब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वाह चॉकलेट तेरी याद आएगी बहुत। वीआईपी डेटी सुठी याद है बेहतरीन कड़वी तो जरूर है दादी बाटी करो दाड़ा खुनो रख मने बात मचाने मरो। हमारे अम्मी एक दवाई बनाती थी गोश्त मादर कहते थे वो थोड़ा सा कड़वा है ज़्यादा तो मुझे उसी का याद आ गया आज। आप लोगों ने बड़े मसले में डाल दिया। अगर मैं बात करूँगा मैं वो खा लेगा, अगर मैं वो बात करेगा मैं खा लूँगा पहले काले के पास बात करते हैं। सीधे हाथ पे मूंगफली है फिर चावल है फिर चने हैं। इन चीजों को भी मुनासिब मौसम और खास मिकदार में बारिश का पानी चाहिए होता है जो नहीं मिल रहा। अरे दाना छुट्टेगा बाद शक करे दादे दा अल्लाह ही हो खजाना हो। तो मैं छोटा था तो हमारे यहाँ मैं खुद इसका जो काश्त होता है काश्त करता था। अभी वो जमीन सारे बंजर पड़ी है क्योंकि पानी नहीं है। वण कोनी खाजो आहे नी जमीन ते वांदास वांदासी वो वरी कोई उ पकड़ी एतरी पाणू दिंदो न ओतरो में बीज दिंदा हल चला के उसमें इसको लगा देते तो इसका दरखत इतना ही बड़ा होता है। और फिर ये मशीन मशीन इसकी नहीं वो हाथ से उनको कूटना पड़ता है कूट के ये चने निकालते। अबला बीर खरा नजिया लंगर के नज़ार न दवाई न जीर न पे अल्लाह फक्ती न जोड़ करके तो कुदरती उगड़ा सो। हाँ खा लें फिर खत्म ना हो जाए। नहीं होगा हमारा भरोसा हमारे दुआएं इनके साथ। हम जिंदा रहें या न रहें लेकिन ये रहें तो बेहतर है। तो पर रेट ना तो बढ़ेंगे पैसा नहीं मरेंगे ना टमाटर 9 रुपये मोटी में जोड़ मरी कपासी व मोटी में मरी और मसमो का टीम अल्फे जरिए पैसा तुम्हारा ला जड़ी जोड़ मरे तब तो टीम लगी। रोज़ खाने वारा आहियूं कॾहिं मिलंदी है ख़त्म थी वेंदी पोइ टेंशन परेशान तो ज़रूर थींदी। अगर इनका हम शुक्र अदा नहीं करेंगे तो ये आज नहीं तो कल हमसे छिन जाएंगी। हो सकता है मैं दूसरा जन्म लूँ मुझे बिरयानी ना मिले तो फिर इंशाल्लाह अल्लाह खबर होता था ख़त्म मफरूर इंशाल्लाह उम्मीद है नहीं ख़त्म मसूर दाफ्ते की नहीं बल्लो अफसोस बरी का। आपके सामने शहद और मेपल सिरप रखा है पेड़ पौधों पर दवाई डालने की वजह से शहद की मक्खियाँ कम होती जा रही हैं। जार लगा लेते हैं और उनके घर भी तबाह हो रहे हैं। सर्दी लगी सही है ना, गर्म दवाई के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। कोई सुबह सुबह बच्चे को थोड़ा थोड़ा खिलाते हैं या सर्दियों में रात को थोड़ा सा उसको खिला के सुला देते हैं। और जिसमें बल्लो ताकत सी थी, दिमाग ताकत थी, मैदे ताकत थी, उगड़ा सीधा घर में हूंदो आ न वेड़ो पोन में काठी हुंदी आ न मक्खी किथे दिसंदा थी वेठल थी छाणी ईंदासी पर खाइंदासी। ये मेपल सिरप भी खास टेंपरेचर में बनता है जो इसको नहीं मिल रहा। हम तो अगर इसको नहीं खाते कोई बात नहीं, लेकिन वो तो खाते हैं। हने फसल इतरा आइन हुई बाकी घट थी भी आस्ते-आस्ते सफा खत्म थी गई। अल्लाह पाक दा ई जीवर के ओखर सफा चुंको ड्यूटी तलड़ खत्म मरी गई। अल्लाह पाक हमरो करामत से सुने जा। मैं सुनो मुझे अफसोस हुआ है क्योंकि जिसका हम सुनते हुए आ रहे थे कि अल्लाह अपने नियमतें उठा लेगा, शायद उनमें से उन्हीं निशानियों में से कहीं। जी वैसे तो पसंद है लेकिन अभी ख़त्म होगा, उसके बाद तो गुजारा आबिद करना ही पड़ेगा। बलोचिस्तानी होंगी मशरक़ी ज़्यादातर फसला था हुड़का बफसल बाल फरमानबार हो कि बरदार हो सादार से अल्लाह ना हुकूमत चल। ये लकड़ी है खाली ये का है। उत्तर शब्द इस दशा ओ केला खतरे में क्यों? केलो ये स्ट्रॉबेरी इंजन आला चा एवोकाडो इन चीजों को भी खास मात्रा में पानी चाहिए जो कम बारिश होने की वजह से नहीं मिल रहा। दाते बिजली अला का खनार अला का दा जोड़ मत सकदा अल्लाह पाक जोड़ करे सरी कसीर दा दा फ्रूट कुल अंदुलून जी। हमरे को पानी घटा आए कोने बरसात पे घटा मैं दुख है इसका लेकिन करो मुझे रोना रहे। कच्चे से सालन भी बनता है, इसकी दवाई भी है केले की। कने कोन सोचने ते केलो खत्म थी विंदा दाते मखलूक दा सना शुक्र हम सक अल्लाह पाक दा से अठा फिक नहीं न कि चखलिंग मरेगा घर में बर्गर जाना उसको ना लूँ बस किस खुर्रे फिर खुली। इनको तो हमने सिर्फ आपकी शो में इधर देखा था और दूसरी दवा आज देख रहे हैं इसको भी क्योंकि मैंने शहरों में देखी। मैं सोच रही हूँ ये ऐसे कोई सालन की चीज़ है, मुझे ये पता नहीं। स्ट्रॉबेरी यहाँ शूट पे आई उसके बाद मुझे पता चला। जानना पाओ गिरा खुदरती गिरा था बंदा का फजर थमान खत्म खेल खेला दूर गिरास आम खेल जोड़ के मोना के बंदा खुदरतिया अल्लाह पाक खुवत शागाने ताकत शागाने बदन की सेहत जोड़ मरेगा। तो भाई मैं वो सोच रही हूँ कि सारी अवामी सारी दुनिया इनका ख्याल रखेगी तो बच भी जाएंगे। केडो सजी जिंदगी खादो हाँ हाँ तो खत्म थे तो उनके दुख तो थी दो हाँ। आप उदास हो गए हैं मैडम आज मैं वाकई में बातें ऐसे सुनी हैं और ये चीज़ें ये थोड़ी हैरियत सी हो रही है। हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि चीज़ें खतरे में ना आए? तो हमें ख्याल रखना चाहिए उनका और पानी का खासकर पान सफाई रखना सीधे खुदा सफाई में पान के फल नहीं दो फल जरूर मिल दो सफाई ना होती तो फल सब विंदा विंदा ले। कोशिश तो बहुत करूँगी कि ये इसका पौधा निकले उगे ये अनाज हो तो उससे घर में पैसे भी आएंगे और ये अनाज हमें खाने को भी नसीब होगा। बाकी अनाज के दा साइंस दा चेनिया जोड़ कर साकी रे दागड़ा दुम के नहीं दम मरो फगा दम मरो दा दम मरो। अगर आलूदगी फैलाने से मैं बचूंगा तो आप बचेंगे, ऐसे सारे बचते रहेंगे तो वैसे तो आलूदगी कहीं नहीं होगा। अगर दम लो ईद करने ख्वारे पिटोना बाबू अलहमदुल्ला नानानुमा जी करें। ये वीडियो आपको पसंद आई सब्सक्राइब करें, बेल का बटन दबाएं, वीडियो के लाइक करो और अपने दोस्तों में शेयर करें। अपना कमेंट में इजाज़ राय दें कि आज से क्या क्या एक्टिविटी अपने माल को बनाने के लिए करेंगे। नुमा बात शुक्रिया संगत बाय बाय।